उधर बीजेपी ने उन्नाव जिला पंचायत चुनाव में रेप के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी का नाम प्रत्याशियों की सूची से बाहर कर दिया है। पार्टी ने 8 अप्रैल को उन्नाव जिला पंचायत के उम्मीदवारों की सूची को जारी किया था। इस सूची में कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता को वार्ड नंबर 22 फतेहपुर 84 तृतीय से उम्मीदवार घोषित किया गया था। आपको बता दें कि कुलदीप सेंगर अभी भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। श्रीमती संगीता सेंगर का टिकट हो गया था। अब संगीता सेंगर को टिकट उनका रद्द किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नहीं रहेंगे। जिलाध्यक्ष से आग्रह किया गया है कि शीघ्र ही 3 नामों का पैनल भेजें। और चलिए इसी खबर पर बातचीत करते हैं। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। रवि, कुलदीप सेंगर की पत्नी को जो टिकट दिया गया वो अब काट दिया गया है, फिलहाल क्या जानकारी है और कारण क्या बताया गया? देखिए, अगर बात करें तो संगीता सेंगर जो है, जो कुलदीप सेंगर की पत्नी है और साफ तौर पर इनका जिला पंचायत के लिए टिकट कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन हालांकि उसके बाद मामला विवाद में आया। उसके बाद फिर कहीं लगे बीजेपी सोचने को मजबूर हुई, उसके बाद इनके जो टिकट है वो कैंसिल कर दिया गया। जो जिला अध्यक्ष है वो नए नाम की जो बात है वो रखेंगे, उसके बाद कि नया प्रत्याशी जो वो घोषित होगा। फिलहाल कह सकते संगीता सेंगर का जो नाम है वो काट दिया गया है। उसकी जो अगर बात करें तो पुष्टि खुद जो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने खुद की है इसकी पुष्टि। और साफ तौर पर अगर बात करें तो संगीता सेंगर का जो टिकट उसके बाद से लगातार विवाद हुआ, क्योंकि कुलदीप सेंगर को लेकर जिस तरीके से फतियात हुई थी, उसके बाद फिर उनको भाजपा से निलंबित किया गया था। साफ तौर पर तमाम सारी जो कार्रवाइयां वो हुई थी। और अगर बात उन्नाव कांड के आरोपी रहे, और साफ तौर पर अगर बात करें तो जो संगीता सेंगर है उनकी पत्नी है, उनका टिकट कर दिया गया था। हालांकि अब इस पूरे मामले को विवाद होने के बाद में संगीता सेंगर का टिकट है वो रद्द कर दिया गया है। लेकिन रवि, पहले भी हम लोगों ने देखा कि इस विषय को लेकर के बहुत विवाद था, खासतौर से कुलदीप सेंगर को लेकर के लगातार विवाद में रहे, और यही वजह रही कि कुलदीप सेंगर को तो पार्टी से निष्कासित किया ही गया, बाद में उसको उसके किए की सजा भी मिली। लेकिन उनकी पत्नी को जिस तरह से टिकट दिया गया, क्या ये चीजें पहले से नहीं आंकी गई? क्योंकि ये बात तो निश्चित थी कि जब टिकट मिलेगा तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप फिर शुरू होंगे, और अब जब इस तरीके की राजनीति प्रदेश के अंदर शुरू हुई तो उसके बाद क्या उस दबाव के चलते इस टिकट को काटा गया, या फिर कोई और वजह वहां पर बताई गई? स्पष्टीकरण के नाम पर क्या कहा गया प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से, और इसके अलावा इसको लेकर के क्या संगीता सेंगर की तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण या कोई बयान दिया गया है? दोनों ही विषय को अपडेट करें। देखिए, अगर बात करें तो कुलदीप सेंगर एक बड़ा नाम था उन्नाव का, और फिलहाल अभी वो उन्नाव कांड के मामले में जेल में है। और साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, वो काफी समय बाद उन पर जो कार्रवाई की गई पार्टी की तरफ से, उसके बाद अगर बात करें तो अभी पंचायत चुनाव को लेकर जो अगर नामों की जो घोषणा की गई थी, उसी में संगीता सेंगर का भी वार्ड संख्या जो 22 है वहां से किया गया था। और साफ तौर पर अगर बात करें तो संगीता सेंगर को भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था। उसके बाद जब विवाद हुआ तो उसके बाद संगीता सेंगर का जो नाम वो रद्द कर दिया गया है, जिसकी जो पुष्टि खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देव सिंह ने खुद की है। और साफ तौर पर अब जिला अध्यक्ष है वो नए नाम का चुनाव करेंगे, उसके बाद फिर उम्मीद है कि नया नाम है वो सामने आएगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो जिला पंचायत चुनाव में जो चुनाव लड़ेगा। साफ तौर पर अगर बात करें तो 2022 में विधानसभा चुनाव होना उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा को फिर से अपनी पकड़ मजबूत करनी है, यानी सत्ता फिर से हासिल करनी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, और कह सकते हैं विवादों से दूर रहना होगा। क्योंकि कुलदीप सेंगर को लेकर एक बड़ी फजीहत हुई थी, और कुलदीप सेंगर के बाद अब उनकी पत्नी को जो टिकट दिया गया था उसके बाद टिकट उनका रद्द किया गया, तो कह सकते हैं कि फजीहत से बचने के लिए फैसला लिया गया। रवि, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। और इसी खबर पर और बातचीत करते हैं, उन्नाव से भी हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, पहले संगीता सेंगर को वो टिकट दिया जा रहा वो नाम था, उसके बाद फिर स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से बाकायदा एक हम ये कह सकते हैं कि संदेश जारी करते हुए कहा गया कि इस पर हम विचार कर रहे हैं, नाम हम कुल मिलाकर देख रहे हैं कि उनका काट दिया गया है, वजह क्या बताई गई, स्पष्टीकरण के तौर पर क्या कुछ कहा गया प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस वजह जब से
संगीता सेंगर का जिला पंचायत सदस्य का टिकट फाइनल हुआ था, उसके बाद से ही जो मीडिया है और जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें हड़कंप मच गया था, क्योंकि एक जो सजायाफ्ता जो आरोपी हैं विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जो कि बीजेपी में थे, अब बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं, उनकी पत्नी को टिकट देना ये बीजेपी के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहा था, जिसको लेकर लगातार मीडिया में भी ये खबरें छप रही थी। और साफ तौर पर जो राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी थे, जो विपक्ष था, वो भी हमलावर था, जिसको लेकर जो बीजेपी का हाईकमान है उसने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, और उसके बाद दो दिन बाद आज उनका टिकट काटा गया। और प्रदेश अध्यक्ष ने अभी तक हालांकि इसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि आखिर वजह क्या रही, क्यों टिकट काटा गया, लेकिन जो भी ये बातें सामने आ रही हैं खुलकर कि क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर पहले समाजवादी पार्टी में थे, बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, अब वो बीजेपी में थे, तो कहीं ना कहीं वो जो सत्ता का सुख लेते थे और उसके बाद वो पार्टियां लगातार बदलते रहते थे हर चुनाव में, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये सरगर्मियां थी कि जो इनकी जो बीजेपी जो विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हैं ये पार्टी में लगातार कार्यरत नहीं रहे, जिसको लेकर ये सिर्फ अभी 2017 के चुनाव में सपा से भाजपा में आए थे, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा भाजपा के अंदर, जिसको लेकर इनका टिकट आज काटा गया है। लेकिन गौरव मुझे ये बताएं, चूंकि ये तो बिल्कुल निश्चित था और ये तय था कि अगर संगीता सेंगर को टिकट दिया जाएगा तो इस तरह की चर्चाएं भी होंगी, और राजनीतिक तौर पर भी चूंकि जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो निश्चित तौर पर इस पर सवाल खड़े करेंगे, और यही वजह थी कि कुलदीप सेंगर को भी पार्टी से आखिरकार निष्कासित तो करना ही पड़ा था। क्या इसके पीछे सोच समझ के कोई निर्णय लिया गया था? जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा था इसलिए ये टिकट दे दिया गया, या वजह कुछ और है? आखिर अब नाम वापसी की जो बात है, क्या सिर्फ दबाव है या इसके पीछे कुछ और चीजें भी आप देख पा रहे हैं? गौरव बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब अभी जो जब चुनाव हुआ था, उप चुनाव हुए थे, उसमें बांगरमऊ से भी इनको टिकट दिया जाना था, जिसको लेकर बहुत अटकलें चल रही थी, और अब जब जिला पंचायत सदस्य का टिकट, क्योंकि ये पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं और अब इनको जिला पंचायत सदस्य का जो टिकट दिया गया था उसको लेकर जो राजनीतिक सरगर्मियां थी वो बहुत तेज हो गई थी। टिकट मिलने के बाद जो भाजपा के अंदर के लोग थे वो कहीं ना कहीं इसका विरोध करने पे आमादा थे, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा एक बड़ी पार्टी बन उभर कर सामने आई है, और उसके बाद एक जो आरोपी है विधायक रेप आरोपी है उसकी पत्नी को टिकट दिया जाना वो भी पार्टी के अंदर एक कलह का माहौल पैदा कर रही थी, क्योंकि जो लोकल यहाँ के जो नेता हैं, जो चाहे जिला पंचायत सदस्य हो चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहे हो, उनका भी कहीं ना कहीं जो संघ में और भाजपा में कहीं ना कहीं इंटरफेयर हो रहा था कि कहीं क्योंकि पार्टी की बदनामी होगी, जिसको लेकर इनका टिकट दिया गया, और कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष का भी टिकट अगर इनको दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो हमलावर होगी, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो हमलावर होगा, को लेकर शायद अब आज हाईकमान ने इस पूरे मामले पर बैठक की थी और इस पूरे मामले को संज्ञान लिया गया। कुल मिलाकर गौरव शायद यही वजह रही है कि अब इस पर विचार की बात कही गई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।